वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई ब्लॉग। तो हम उठ चुके हैं मॉर्निंग के 6 बजे, हम जा रहे हैं सिद्ध बलि। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम सोच रहे थे हम कैंसिल कर दें, बट बारिश बंद हो चुकी है क्योंकि भगवान भी चाहते हैं हम आए आज दर्शन करने। तो टाइम होने वाला है, 7 बजने वाले हैं, तो हम यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर मेरी गुग्गू भी उठ गई है। ऐसा हुआ है, मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, कल जो बारिश हुई है ना, बाप रे। मैं ना वो बना रही थी रील्स छत में। गाइज हम रेडी हो चुके हैं, आ चुका है मैं शुभांकर लेने के लिए, और हम सिर्फ 3 जा रहे हैं, प्रिया, मैन, शुभांकर और मेरी अलाया, क्योंकि आज हमें घर जाना है वापस अपने घर। हाँ स्माइली कर दो। जाने से पहले यहाँ पे पहले आपको ना पानी से हाथ पैर वगैरह धोने पड़ते हैं क्योंकि हम नीचे से आते हैं। तो शुभांकर और गुगु गिरना मत, तू चलना। तो जो भी आप प्रसाद लेते हो ना, तो अगर उसमें नारियल रहता है तो नारियल को यहीं पे फोड़ कर ले जाना पड़ता है ऊपर, और उसके बाद ना हम लोग आगे की ओर चल गए, हम मंदिर की साइड जा रहे हैं। और आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, थोड़ी देर के लिए बारिश हो गई थी लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, और आज हम थोड़े सारे दर्शन करके जाने थे जो नीचे भी मंदिर है, शनिदेव मंदिर है, और आज हमें ना स्पेशली प्रसाद भी ग्रहण करके जाना था क्योंकि हम पिछले बार भी मैं आई थी तो हम भंडारा नहीं कर पाए। स्पेस है, और जो आप ये चुन्निया बंदी भी दिख रही हो ना माता रानी जैसी, आप ना जब कोई विश मांगते हो तो कहते हैं तब ये चुन्नी यहाँ पे बांधते, जब आपकी विश पूरी हो जाती है तो इसे खोलने के लिए भी आना पड़ता है। तो इसके बाद हम चले गए नीचे जहाँ पे लाइव आरती चल रही थी, बहुत फिर लगी रहती है, अभी सुबह का टाइम है ना, तभी भी इतनी भीड़ है सुबह के टाइम पे भी। यहाँ पे फटाफट से हम लोगों ने अपना भंडारा लिया और जो प्रसाद था हमने वो फिनिश करके अब हम घर की ओर निकल रहे हैं। और सिद्ध बलि पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है, जितनी बारिश हो रही थी ना हमने ताएं आएं बाएं कुछ ना देख के हम सीधा अब घर जा रहे हैं। बारिश हो रही थी इसलिए हम आते हुए ना यहाँ पे रुक गए, हम यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट करवाएंगे, शुभांकर मेरी फोटो शूट करेगा एंड रील्स बनाएगा। अगर आपको मेरा रील्स देखनी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। आप कुछ बताने वाले थे इस टीले के बारे में, हरक सिंह का टीला कुछ बता रहे थे, बताओ। हरक सिंह ने खरीदा है अपना एक, ये हरक सिंह का वो आइलैंड है, जैसे
समुद्र के बीच होता है ना आइलैंड, बस ये छुट्टियां मनाने बरसात में आता है छुट्टी मनाने आ रहा है सिंह। आइलैंड मैन का ये देख रहो क्या कर रखा है, कितना खनन हो रखा है बाप रे। प्रिया कहती है ना मैं एक दो के अलावा फोटो नहीं क्लिक करवाती हूँ, तो ये है यहाँ पे इसके पोज बन रहे हैं। वाओ, और नीचे से चप्पल पहनी हुई है, वो कह रही मेरी चप्पल की मत लेना, बाकी सब ऊपर ही ऊपर से लेना मेरी फोटोज। अगर चाहत ने खुद से इसमें पेंटिंग करी हुई है, ट्वीटी बनाई जो कि बहुत ही क्यूट है, ये मुझे ऐसे करके देखी जिधर मैं फोन ले जा रही हूँ, ट्वीटी मुझे देखी है, तो चाहू ने ये खुद से पेंटिंग करी। चाहू है ना तो आज चाहू कितने दिन हो गए, मतलब कुछ महीने हो गए, कितने महीने, तीन चार महीने में फोन लगाई तो क्या है क्यों तोड़ रही है फिर, तीन चार महीने तीन चार महीने बाद मम्मी तो मोटा सा तोड़ा पूरा मत तोड़। अरे नान कह रहे पता एक बारी कर। हां चाओ करेगी ना, मैं तो ब्लॉग बना रहा हूं। कहना बोलो गाइस, तो यहां पे इसमें इसमें 50% मम्मी का हिस्सा है और 10% मेरा है, और जो 40% है वो चाहू का है। क्यों चाहू नहीं तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो मम्मी इसको इस तरीके से फोड़ रही, मम्मी सोचिए दोबारा यूज हो जाए। ट्वीटी मत तोड़ना उसकी, लाइट गई फिर थोड़ा लंबाई में, हाँ थोड़ा मम्मी आगे साइड, नहीं थोड़ा इधर इधर के साइड को गुल्ला कर छन कर दे। नहीं निकलेंगे पहले सिक्के तो निकाल ले, इसमें इसे चाओ मम्मी को देगी गिफ्ट, उसका मम्मी का बर्थडे आने वाला है ना, क्योंकि अभी तो नानी के लिए गिफ्ट के लिए उसने पैसे जमा किए। गाइज ये अपना एक बूंद पैसा भी नहीं देगी, एक पच्ची पैसा भी नहीं, झूठ तो मत ही बोला करो, अपने नानी के लिए नहीं डालूंगी, पर आपने उसने बहुत कार का भी डाला था, मैं मार दूंगी बहुत सारे दिमाग खराब कर रही, नानी को तो वो जान भी देती है मेरे को पता है, आप भी तो भुट्टू की तरह नहीं जो कि किसी को पैसे नहीं देना और क्या, ऐसे में तो आप छोड़ दूंगा, अरे मैं करना चाहता हूँ चले हम पास, एक मेरा है एक चाऊ का है और एक नानी का है, मौसी को तो देने नहीं वाली, मैं नानी को दे दूंगी। हाँ तो नानी के तो है वो सारे, अच्छा मेरे को बोला नानी के, पापा मम्मी ने दे रखे हैं। अच्छा क्या पापा मम्मी का ये समय आती थी मम्मी, हाँ मम्मी मेरी है तो पापा भी मेरे हैं। नानी मेरा नोट फट जाएंगे यार, थोड़ा सा और फाड़ तोड़ देना। नहीं फटता, नानी कह रही है ना, नानी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड बंदी है, देखना कैसे कह रही, तो काउंट करे एक साइड पे। आज पांच के नोट पापा ही देते हैं मुझे, 2500 3000 3500 मम्मी भी देती है गाइस 5000 आज तेरे नानी खाने के लिए देती है 200 जिससे चाहत के पूरे रुपए बच जाते हैं, जिसकी पॉकेट मनी होती है वो नानी उसकी यूज करती है ताकि इसके रुपए सेव रहे, क्यों नानी से नहीं कहती नानी ये लिया नानी वो लिया जी जी खाने के लिए, तो ना सक नानी तो चीज नहीं खाई, ये तो जोर ना कह रही, आप तो कह रहे पॉकेट मनी देती हर महीने, तो पॉकेट मनी यही तो भी तो अगर पापा देते हैं ना, नहीं अगर मम्मी नानी नहीं देगी तो तू अपने पैसे उससे तो लाएगी ना, सही लाते नानी बहुत बार देती है, बट ऐसे नानी ओकेजनली देती है, ओके पहले से ही चल गए पहले से ही थोड़ा बोला मैंने, देखो इतनी नानी वाले तो बोल मुझसे बहुत छेड़ ले रही, देख रही देख रही, तो नानी ने कुछ बोलना भी नहीं अब है, ये टाइल्स के हो जाएंगे रुपए है ना, किचन वाली टाइल्स तो आई जाएगी इससे जरूर आ रही गाइस, गाइस 1.5 लाख की तो मॉरी अभी तक सिर्फ बाथरूम और बाहर की टाइल्स आई है, 1.5 लाख कितना होता है, 1.5 लाख 1.5 कितने जीरो
6-0 कैसे? छह जीरो कैसे? तो वन कहाँ लगाएगी जब 6-0 ही लगा देगी तो पैसा क्यों निकाल रही है? अभी तो लेगा तो जो हमने उस दिन पसंद करी थी नहीं है ना मम्मी? मम्मी टफा मत लेना, आप तो मैं टपाऊंगी। पांच पांच के अलग कर रहे नोट, फिर हम 200-200 के, फिर हम 100-100 के करेंगे, 100-200 के एक साथ करेंगे क्योंकि 200 के कम नोट है, फिर 50 के, फिर 20 के, फिर सिक्के हैं। तो अभी तक कितने 500 के निकल चुके हैं, तो ये अंदाजा लगा रही है 10,000 तक तो होंगे ही होंगे, 10,000 तक। गाइस गाइस दिखाओ, देखो ये है नेपाली रुपए, 100 एक क्या है, चलेगा नहीं रुपया नेपाली का है। तो ये अज्यूम करेगी मेरे 10,000 से ज्यादा होंगे इसमें पैसे, तो देखते हैं कितने होंगे। 10,000 होंगे तो 2,000 तो मुझे दे ही देगी ना। फिर से एक नोट निकल चुका है, 2-3 महीने कह रही है नहीं, अच्छा 4-5 महीने हो गए। हाँ क्योंकि जब मैं आई थी तब आए थे, नहीं मम्मी की भी है उसमें, बट कैसे 200-200 के नोट है, नानी नहीं दे रही मुझे सारे। मम्मी अभी तक ये 18,000 हो चुके हैं, तो जो कि हमारा अज्यूम सही निकला था कि 10,000 से ज्यादा होंगे, तो इसमें से मतलब 10% मेरा और 20% मम्मी का, बाकी चाहत का है 70%। ओके अभी तक मैं सोच भी बंद हो जाएगा, बट 500 के नोट निकलने में लगे हुए, फिर से 500 के दो नोट आ गए हैं जो कि मेरे हैं सारे। इसका मैं क्या करूँगी, चाहो यार इतने रुपये का यार, ठीक है इसने गाइज आप लोगों के सामने बोल दिया है ना कि मेरे काम आएंगे। यस, तो बस नानी के बर्थडे के लिए मैं इनमें से 1500 निकालूंगी, तो ये मेरे काम आएंगे। और तो ये 20,000 अलग से, 500 के 20,000 हो चुके हैं और शायद अभी गुल्लक से और निकलने वाले आई थिंक, निकलना बंद ही नहीं हो रहे हैं, तो ये गुल्लक मैं ले जा रही हूँ इसमें इतने सारे गाइस, मैजिकल है। तो 20,000 तो ये हो गए, बाकी ये हैं सारे। ओ ये मेरा है, चाहो इसको अलग रख दे। ओके शायद अब फाइनली सारे रुपए निकल चुके हैं, 20,500 ये है अभी। मम्मी गुल्लक भी नहीं तोड़ना चाह रही है, सोच रही है सारे रुपए भी निकल जाए बिना तोड़े, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। एक ही नोट है बस, हो गया सिक्का होगा आई थिंक 50 का, एंड में फूट गया था, धीरे धीरे बचाते बचाते सब हो गया था अभी। नहीं है मम्मी अब बस हो गया, तू क्या चाहती है उसमें 1,00,000 रुपए निकल जाएगी। अब इसमें से काउंट कर, पापा के पापा के केस निकाल के महीने से 1,000 रुपए लेगा, खट ले मम्मी अब तू काउंट कर। हां ले ले, ओ मम्मी को मजा नहीं पैसा ऊपर रख देना। अरे मम्मी कह रही है जब तक ही होता है तो मैं निकाल भी दूंगी, इतने बड़ा छेद जो कर रखा है मैंने, एक बार काउंट कर ले बाबा। नानी आ गई अपना सुना करती थी ना, तो पापा के पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, तो नानू ना काउंट नहीं करते थे, मतलब नानू काउंट नहीं करते थे, नानू के उस अगर 1,000-2,000 कुछ भी निकाले तो मैं मम्मी मुझे बोला करती थी, तो पापा के पैसे निकाल के अपने गुल्लक में डालकर, मैंने भी शायद 6-7 महीने गया, लेकिन मैं रोज कैसे डालती थी 20-30-40 रुपये, तो उस टाइम पे 3,500 रुपये मेरे निकले थे, वो भी मुझे क्यों तोड़ना पड़ा, किसी ने मुझे ना अपना 500 का नोट दिया था लिखा हुआ कि पुनीता से चेंज करवा देना, तो वो कुछ रुपए लेते फिर उतने में 400-450 जो भी देते, वो किसी ने चोर दिए थे उस दिन कोचिंग में। अब 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, उस टाइम तक मुझे अपना गुल्लक तोड़ना पड़ा उस 500 रुपये के लिए, तो ये चीज़ें थी। तो पापा को पता नहीं चलते थे, वो मेरे पापा की पहले से ही आदत है, आप कितने भी खिसका दो ना उनको कभी पता नहीं चलेगा। चाहो के यहाँ टकेदी डाल देना, ठीक है आज ये 3,000 रुपये हैं, ये 500 को निकाल के और 500 को मिला के ये 5,500 है, क्योंकि इसने 500 की नोट में गड़बड़ी कर दी है, 20,000 अलग से रख दिए हैं और बाकी ये है 2,500 के मेरे पास है और 3,000 ये, तो 5,500 हो गए, बाकी ये चिल्लर बचे में अब इनको काउंट करूँगी। गाइस तो ये पूरे फाइनली हमने यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, 4-5 रुपये हमने इसमें डाले क्योंकि मम्मी ने बोला गुल्लक खाली नहीं छोड़ते, तो हमारे टोटल हो चुके हैं यहाँ पे 27,000 के तो हमारे ये नोट निकले और 4,000 के हमारे, मतलब 3,000-3,500 के हमारे ये वाले नोट है और ये जो कॉइन्स है ये ऐसे ही है 4,000 हो गए। मम्मी आप ले जाओ, ये आप ले गिफ्ट है वाले पार्टी, 4,000 रुपये निकले हुए, मज़ा आ जाएगा आज। साधना नोट चेंज करी, एक्सचेंज करी है, नानी ने इसे दिए बिल्कुल करारे नोट 100 रुपीज़ के,
तो ये है 10,000 के, और मम्मी को लगा ये 20,000 है तो मम्मी अभी दे रही है, और पता है इसने मना भी नहीं किया कि नानी रहने दो, मत दो, कुछ नहीं एडजस्ट हो जाएगा। तो काम नहीं, मैं कह रही हूँ ये चीज़ अगर आपने ब्लॉग में डाल दी, मैंने कसम से बता रही हूँ, वो मैंने झेल लिया रिपोर्ट कार्ड वाला कर रिपोर्ट कार्ड के तेरे मार्क्स थोड़ी ना दिखाए, मार्क्स नहीं बताया मेरी, वो दिखाया गुस्सा करने का। देखो रिश्वत ले, क्या अपन कह रही, ऐसे